खंडवा सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक नए प्लेटफॉर्म का भूमि पूजन किया। 22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लेटफॉर्म के बाद खंडवा रेलवे जंक्शन अपग्रेड हो जाएगा। दिल्ली मुंबई ट्रैक का महत्वपूर्ण खंडवा रेलवे जंक्शन 4 रेलवे डिविजनों का संगम है, इस कारण इसे अपग्रेड की काफी आवश्यकता थी। इसी के साथ सांसद चौहान ने सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए नवनिर्मित यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार ने रेलवे के विकास के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि खंडवा से इंदौर मीटर गेज लाइन थी जिस पर पुराने समय की ट्रेन दौड़ती थी। केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद खंडवा इंदौर अकोला लाइन ब्रॉड गेज करने के लिए 1200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें खंडवा से इंदौर के बीच काम भी चालू हो गया है। चौहान ने कहा कि ब्रांड गेज होने के बाद इंदौर और सिकंदराबाद डिवीजन की गाड़ियां सीधे खंडवा से होकर गुजरेगी। साथ ही इस रेलवे जंक्शन उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की गाड़ियां उपलब्ध हो सकेगी। रेलवे के माध्यम से क्या क्या चल रहा है। खंडवा रेलवे स्टेशन के बाहरी परिसर का विस्तार, नवीन साइकिल स्टैंड, 4 पहिया वाहन स्टैंड जिसको भी बनाया गया है, 280 लाख रुपए के लागत से, 280 लाख रुपए के लागत से प्लेटफॉर्म नंबर 6 का निर्माण कार्य चल रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र को हजारों करोड़ की सौगातें मिली है। छठवा प्लेटफॉर्म बन रहा है और लगभग पूरे रेलवे स्टेशन पर 20 करोड़ रुपए के लगभग के निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं और उस पार भी टिकट विंडो बनने जा रही है, उधर भी यात्री प्रतीक्षालय बनेगा। दोनों दिशाओं से हमारे खंडवा के नागरिक रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर सकेंगे और ये ब्रॉडगेज के बाद तो खंडवा तरक्की की उड़ान भरेगा। आया वो तो कर्ज माफी नहीं, फर्जी माफी है वो। अब उनके पास विकास के कोई साधन नहीं है तो वो ट्रांसफर में ही कबड्डी खेल रहे हैं। नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद रेलवे की सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और दिल खोलकर पैसा भी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विकास के मामले में खंडवा अब नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में आए नंद कुमार सिंह चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि प्रदेश सरकार के पास विकास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए वह अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर में ही कबड्डी का खेल खेल रही है।